देखिए यहाँ पर एक सीढ़ी है जो खड़ी है, उसके साथ में एक तेजी से फ्लाई व्हील घूम रही है और उसके कारण वो सीढ़ी गिरती नहीं है। ये है एक सिंपल सीडी गायरोस्कोप। इसको बनाने के लिए आपको 5 पुरानी सीडी चाहिए, 9 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच, एक टॉय मोटर आदि चाहिए। सबसे पहले 4 सीढ़ियों पर आप एक छोटा गोला बनाएं और इन चारों सीढ़ियों को आप काट करके 4 छोटी सीढ़ी बनाएं। सीढ़ी को आप आसानी से कैंची से काट सकते हैं। उसके बाद इन चारों छोटी सीढ़ियों पर आप गोंद लगा करके उन चारों को एक दूसरे के साथ में चिपका दें। इससे एक मोटी सी एक डिस्क बन जाएगी, मोटी और भारी। ये फ्लाईव्हील का काम करेगी। उसके बाद में जो बीच वाला छेद है वहां पर सीडी के 2 टुकड़े चिपका दें, जिससे कि बीच का छेद बंद हो जाए। फिर बीच में एक छोटा सा छेद बनाएं, जिससे कि आप एक बॉल पेन के रिफिल को उसमें टाइट फिट कर सकें। अब ये सर्किट है, एक 9 वोल्ट का टॉय मोटर है जिसको हमने 9 वोल्ट की बैटरी और एक स्विच के साथ में जोड़ा है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं मोटर तेजी से घूमता है। आप मोटर को शायद घूमते ना देख सकें पर उसकी आवाज जरूर सुन पाएंगे। ये एक रबर का आयताकार केसिंग है, इसको चिपका दीजिए सीडी पे क्योंकि इसके अंदर बैटरी फिट होगी। उसके बाद में बैटरी को उसके केसिंग पे फिट करें। सबसे पहले मोटर को सीडी के बीचों बीच चिपका दें, फिर बैटरी को रबर की हाउसिंग के अंदर फिट करें और स्विच को चिपका दें। और सबसे अंत में जो मोटर का शाफ्ट निकल रहा है उसके अंदर जो आपकी फ्लाई व्हील है 4 सीडी की बनी हुई, उसको टाइट फिट कर दें। अब आपका मॉडल बिल्कुल तैयार है। अब आप स्विच को ऑन करेंगे, उससे मोटर तेजी से घूमेगा, फ्लाई व्हील तेजी से घूमेगी। उसके बाद में जो बड़ी सीडी है अगर आप उसको मेज पे खड़ा करेंगे तो वो गिरेगी नहीं क्योंकि फ्लाई व्हील बहुत तेजी से घूम रही है। ये देखिए, तो ये तरह का एक गायरोस्कोप बन जाता है। और गायरोस्कोप हम बहुत इस्तेमाल करते हैं जहाजों के अंदर, रॉकेट्स में। वो अपना ओरिएंटेशन या अपनी दिशा को बिल्कुल बरकरार रखती है। तो ये है बहुत ही सरल सीडी गायरो जिसको आप घर पे बना सकते हैं। अभी देखिए जो बड़ी सीडी है वो किस दिशा के अंदर मोटर घूम रहा है, उससे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रेसेस करेगी, हल्के हल्के गोल गोल घूमेगी। आप उसको अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे फिर अपनी स्थिति पर वापस आ जाएगी।